दोस्तों, कहा जाता है कि सच को कितनी भी धीमी आवाज में कहा जाए वो झूठ नहीं बन सकता। मगर दोस्तों, एक सच ये भी है कि झूठ को जो कोई भी बोलता है वो उसे कहते हुए अपनी आवाज जरूर बुलंद रखता है। टाइम 24 न्यूज आज ऐसे ही एक बड़े दावे की पड़ताल करने जा रहा है, जिस दावे को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सेकेंडरी नंबर पे इंडिया में हिंदुस्तानी हम दूसरे नंबर पे हैं। किसी भी कानून से इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के मालिक हैं। मेरा कहना है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के कुत्ते ही हैं। वफादार कुत्ता नौकर हुआ करें, हम इस देश के मालिक। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कहता दिख रहा है कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हम देश के वफादार नहीं बल्कि देश के मालिक हैं। वीडियो को अलग अलग ट्विटर हैंडल से अलग अलग समय पर ट्वीट किया गया है। वायरल वीडियो को देखकर साफ दिखाई देता है कि वीडियो किसी न्यूज चैनल पर चली किसी क्लिप का एक हिस्सा है, मगर इसे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वीडियो के साथ की गई छेड़छाड़ साफ नजर आती है। यानी जिस किसी भी व्यक्ति ने इसे शुरुआत में वायरल किया होगा, उस व्यक्ति ने इस वीडियो को बीच बीच में कट जरूर लगाए होंगे। वीडियो की बात बाद में करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके साथ किए गए दावों की। 17 सितंबर 2020 को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम के यूजर ने इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया था कि हिमालय कंपनी के मालिक का बयान, हम पहले मुसलमान हैं, हम भारत के प्रति वफादार नहीं हैं, हम भारत के मालिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिमालय कंपनी की दवाइयों का बहिष्कार करने की भी अपील की है। 30 मार्च 2021 को राष्ट्रवादी दीपक रस्तोगी नाम के ट्विटर हैंडल से भी हिमालय के मुस्लिम मालिक का बयान बताते हुए लिखा गया है कि हिंदुओं सोचो, अगर रामदेव के बारे में ऐसा कोई बयान दिया गया होता तो पूरे देश में वामपंथी लिबरल मदरसा छाप छाती पीटते पीटते बवाल मचा देते। मकसद हिमालय की दवाइयों का बहिष्कार कराना ही था। इसके बाद अलग अलग ट्विटर हैंडल समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तारीख पर इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति द हिमालय ड्रग कंपनी का MD है, जिसके द्वारा इस तरह का विवादित बयान दिया गया है। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो और वीडियो में दिखने वाले शख्स की सच्चाई बताते हैं, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि द हिमालय ड्रग कंपनी के फाउंडर मोहम्मद मनाल हैं, जबकि इनका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। और हिमालय की विकिपीडिया से ली गई जानकारी के मुताबिक मोहम्मद मनाल की साल 1986 में डेथ हो चुकी है, जिसके बाद से कंपनी को मेहराज मनाल संभाल रहे हैं, जिनकी फोटो देखकर पहली नज़र में ही साफ हो जाता है कि वीडियो में दिखने वाला शख्स मेहराज मनाल नहीं बल्कि कोई और है। अब बात करते हैं वीडियो की, तो भास्कर न्यूज़ की साइट से ली गई जानकारी के अनुसार ये वीडियो आज से 4 साल पुराना यानी 14 अगस्त 2017 का है, और वीडियो में दिखने वाला शख्स हिमालय परिवार का कोई सदस्य नहीं बल्कि सपा नेता माविया अली हैं। दोस्तों, सुना आपने, हिमालय परिवार का कोई सदस्य नहीं बल्कि सपा नेता माविया अली हैं, जिसके द्वारा 14 अगस्त 2017 को ये भड़काऊ भाषण दिया गया था। और दोस्तों, 14 अगस्त 2017 को ही रिपब्लिक टीवी ने इस बयान को रन भी किया था। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 2017 में यूपी में सरकार बदलने के बाद किसी सभा में माविया द्वारा ये विवादित भाषण दिया गया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर सालों से किए जा रहे दावे फेक साबित हुए, और पड़ताल में यह भी साफ हुआ कि वीडियो में दिखने वाला शख्स किसी मेडिसिन कंपनी का मालिक नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाला एक नेता है। दोस्तों, हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस सच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और फेक चीज़ों को वायरल करके भाईचारे में जहर घोलने से अच्छा है कि संदिग्ध वीडियोस को हमारी दी गई मेल आईडी पर भेजें, ताकि हम उस वीडियो के सच का पता लगाकर आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।